बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बातिल और हक का फर्क इसमें जरूर आप समझे जैसा बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह का दीन हक है, इस वास्ते अल्लाह ताला ने कहा कि जो है इस दुनिया के अंदर आपके लिए गुड फॉर नथिंग कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी जाते हयात में आप जो कुछ भी करते हैं वो सारे के सारे फानी है, खत्म हो जाने वाली है। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बासुरा स्पैनिश में बोलते हैं गार्बेज को, यानी ट्रैश बैग को, यानी कचरे को। तो ये दुनिया के जितने भी लज्जतें हैं या जितने भी आप मेहनत से, आपकी कश्मकश से, ख्वाहिशात से जो कुछ भी महल बनाते हैं हस्बे ख्वाहिश, चाहे वो औलाद की हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे आपकी जवानी हो, चाहे आपकी भरपूर जिंदगी क्यों ना हो, वो सब के सब गुड फॉर नथिंग है, नथिंग है। अल्लाह इस हकीकत को खोल दिया। इस वास्ते हक को पहचानने के लिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे, हक को पहचानने के लिए अल्लाह ने कुरान को फाइनल करके भेजा हक को। अब क्योंकि दुनिया अब इतनी दुनियावी तबीयत की हो गई इंसानी जहनों की कि उसके पास अब आखिरत के नाम से तोशा ले जाने का, कोई तैयारी करने का उसके पास जरा भी वक्त नहीं है। आप देखेंगे टाइम स्क्वायर यहाँ पर न्यूयॉर्क में है हमारे, मेरे घर से 42nd, यानी मैं 59 पे रहता हूँ तो 42nd पर है। मैं वाकेबल डिस्टेंस समझता हूँ क्योंकि मैं वॉक करता हूँ। यही टाइम स्क्वायर अब जो है सऊदी में भी बना दिए, रियाद में। और जो हमारे मुसलमान यहूद नसारा की देखा देखी करते हैं, आप दुबई जाइए, दुनिया का जो है टेक्नोलॉजी से और जो है जन्नत नुमा फिरदौस यहीं पर है जैसा दुबई को बना दिए। ये ख़यामत से पहले होने वाला था, और ख़यामत से पहले हर इंसान पैसे वाला होगा, हर इंसान खाने वाला होगा, गरीब नहीं मिलेगा, ऐसा वक्त है। तो अब आप इतनी मसरूफियत इंसान की देखेंगे। हाल ही में यहाँ पर 2-3 दिन पहले, यानी पिछले वीक में हैलोवीन आके गया, जो छोटे बच्चों को जो है कैंडी स्टोरों पर ले जाके एक छोटा सा जो है हाथ में बच्चों के जो है चिप्पे की तरह दे देते हैं। चिप्पा इस वास्ते कर रहा हूँ कि वो एक बकेट छोटी सी बनाते हैं, वो बकेट के अंदर जो है चॉकलेटें हर किसी दुकान वाले ने वो बच्चों को दे देता है, ट्रीट बोल के जो है घरों पर भी आते हैं और स्टोरों पे भी जाते हैं, बच्चों को माएँ लेके निकलती है फन के तौर पे शाम में। तो ये फनी दुनिया है हैलोवीन की, शैतानी दुनिया। ये शैतानी दुनिया भी अब सऊदी में आ गई, वहाँ भी ये हैलोवीन के दुकानें खोल दी। तो यानी अब जो इबादत की जगह थी उसको दुनियावी बना दिया सलमान किंग, ये मसरूफियत दुनियावी बना दिया। इस वास्ते आदमी ईमान खो देगा, अब सुबह में ईमान होगा शाम में नहीं होगा। हैलोवीन गुजरा ही नहीं था कि जी फिर यहाँ एक नई जो है वो मैराथन आ गई। आज मैराथन है हमारे 59 कोलंबस पे आके ख़त्म होती है, थम जाती है यहीं पर आके ठहर जाती है। तो ये जो आदमी जवानी के बाद की जिंदगी जो रहती है मिडिल वाली, वो लाइफ को फन के तौर पे मैराथन में उतरता है भागने के लिए, क्योंकि इसमें नौजवान बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। नौजवान बच्चे योगा, नौजवान बच्चे जिम को जाएंगे, नौजवान बच्चे डांस को जाएंगे, कॉन्सर्ट्स में बिजी रहेंगे, नौजवान बच्चे म्यूजिक में रहेंगे और वो एक्सबॉक्स जैसे उसमें फन पे रहेंगे, ये सारी बातें होंगी। अब फिर यहाँ अल्लाह की शान यह है कि
या जब 6 महीने हो जाते हैं 1 घंटा पीछे कर देते हैं, और फिर 6 महीने हो जाते हैं 1 घंटा आगे कर देते हैं, गर्मा के वक्त, सर्दियों के वक्त 1 घंटा पीछे कर देते हैं। आज पूरे क्लॉक ऑटोमेटिक ये टेक्नोलॉजी से खुद ब खुद टाइम बदल गया, 1 घंटा पीछे कर दिए। और जो ओवन जैसे आपके पास है तो उस पर आपको टाइम बदल लेना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं क्यों बोला कि आदमी हक और बातिल का वक्त इम्तियाज का नहीं रहा, यानी आप इसमें तफरीक करने वाला नहीं रहा, आप इसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं देखेंगे, आखिरत की फिक्र करने वाला मिलेगा आपको। उसके बावजूद इंसान खाली सियासी लीडरों की तरह या जो है दुनिया के शैतानी जहन में एक दूसरे की नफरत डालने सिर्फ मजहब की बात करता है आज भी प्रैक्टिस के बगैर। अब जैसे यहां पर एक पीटर जॉर्डन पीटरसन है, जॉर्डन पीटरसन पढ़ा लिखा है लेकिन उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तलवार इस्तेमाल किए इस्लाम फैलाने में और वार लॉर्ड बोल के कह दिया, लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 33 जंगें जीते, उसमें एक को भी नहीं मारा आपने, अपने हाथ से एक को भी खत्म नहीं किया। तो इल्म नहीं होगा इंसान के पास, मजहबी इल्म नहीं होगा, सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए उल्मा उठेंगे, नफरत के लिए जो आपके मौलिम देखेगा, आपका जो है हाफिज कुरान भी है तो दूसरे से नफरत करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आखिरत की हकीकत अल्लाह के पास सबर करने वाले कन्हे ये उसके हाथ से तहमुल निकल जाएगा। अब ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बात पे पीटर जो है पीटरसन जो है जॉर्डन पीटरसन ने कह दिया, उसको ये नहीं मालूम कि हकीकत ईसा अलैहि सलाम खुद बोले मेरे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, बाइबल में है, उसको बदल दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी जात से नहीं बोलेंगे, अल्लाह उनको बोलने कराया दुनिया में, ये अल्लाह को